बैक टू माई चैनल गोलगप्पा गर्ल। आई एम पूजा और आज का वीडियो होने वाला है अबाउट बारबेक्यू नेशन बुफे एट होम। लास्ट ईयर आई गेस जब लॉकडाउन लगा था तो बारबेक्यू नेशन हैड स्टार्टेड दिस थिंग कॉल्ड बारबेक्यू इन अ बॉक्स, विच इज़ बेसिकली जो बुफे जो भी उनका पूरा स्प्रेड है, दे सर्व इट इन बॉक्सेस एंड इट्स अवेलेबल टू ऑर्डर ऑनलाइन। बारबेक्यू नेशन इज़ अ वेरी पॉपुलर बुफे चेन इन इंडिया। बहुत सारे इनके ब्रांचेस हैं एंड दे आर नोन फॉर अफोर्डेबल एंड डिलिशियस बुफे स्प्रेड्स। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है अबाउट माई बारबेक्यू नेशन एक्सपीरियंस, आई एम गोना लिंक इट हियर, बट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी मोर अबाउट how is the experience like when you order everything at home. So I have my phone here और यहाँ पर मैं इनका menu check कर रही हूँ। They have a lot of options. So obviously barbecue in a box is something that we will go ahead with it. They have both veg and non-veg options. By the way, this video is not sponsored by Barbecue Nation, just clarifying. We are doing today क्योंकि आज हमारा ऐसे ही मन हुआ। Apart from that, they also have different boxes like meals, Ramadan hamper box, biryani and kebabs. In case अगर आपको सिर्फ appetizers और drinks के साथ जाना है, उसमें भी उनको बहुत options हैं। So pretty impressive menu, बहुत ऐसा बड़ा menu. What we will do is we will order veg and non-veg barbecue in a box and I'll see you जब हमारा order आ जाता है। तो हमारे बॉक्सेस अभी यहाँ पर आ चुके हैं। एक वेज है और एक नॉन वेज बारबेक्यू इन अ बॉक्स है। इसका प्राइस मैं आपको एक बार बता देती हूँ। वन इज़ फॉर 749 द वेज वन एंड द नॉन वेज वन इज़ फॉर 849। वैसे ये पकड़ने में काफ़ी हैवी है, लाइक पकड़ने में बहुत हैवी है, तो आई एम अज्यूमिंग कि इसमें बहुत सारा माल होने वाला है। बट लेट्स ओपन दिस। सबसे पहले कौन सा ओपन करें, चलिए ये करते हैं, आइए। ओ हो, ये देखिए, ये एक्चुअली काफ़ी दूर से आया है। सो देखते हैं इसकी पैकेजिंग भी इंटैक्ट है या नहीं। तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं, ये बॉक्सेस तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। ये बाय द वे मैंने अलग से मंगाया है, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं था। फर्स्ट इम्प्रेशन, रियली लव द पैकेजिंग। पैकेजिंग बहुत अच्छी है, मानना पड़ेगा, इतना दूर से आया है, वो भी इतना सारा सामान, ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं यार ये तो। ये है आई थिंक पूरा वेज क्योंकि ये ग्रीन है। ये आ गया हमारा नॉन वेज, चलो इसको भी अभी ओपन करते हैं। ऊपर से तो सब सेम ही है, डिज़र्ट्स और चटनीस। हाँ ये देखो नॉन वेज रेड कलर में आता है, सो ये भी मैं सब निकाल देती हूँ। रहा पूरा खाना, दीज आर टू बारबेक्यूज इन अ बॉक्स। मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ क्या क्या है। एक डाउन साइड होता है घर पे मंगाने का कंपेयर टू ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट, के खाना थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। बट ओ माई गॉड, मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं थी एंड दिस लुक सो डिलिशियस, आई एम सेलिब्रेटिंग एक्चुअली। सो दिस इज द नॉन वेज साइड एंड दिस इज द वेज साइड। सो जब आप ऑर्डर करते हो आपको बॉक्स में क्या क्या डिशेस मिलती हैं वो पूरा सब लिखा हुआ आता है। सो मैं ये रेफर करके आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्ट। आपको 6 स्टार्टर्स मिलते हैं। इन नॉनवेज बॉक्स यू गेट पनीर टिक्का 6 पीसेस, मस्टर्ड गार्लिक चिकन, तंदूरी तंगड़ी 2 पीसेस, दिस इज हरियाली फिश एंड हियर इज सम चिली गार्लिक प्रॉन्स। ये आपके स्टार्टर्स आ जाते हैं। नाउ लेट्स कम टू द मेन कोर्स। मेन कोर्स में आपको मिल जाती है चिकन बिरयानी, हियर यू गेट सम लच्छा पराठा जो आपको वेज और नॉन वेज दोनों में मिल जाता है। ये एक लाल मार्स है और एक दम का मुर्ग है। हियर यू हैव दाल मखनी, यहाँ पे आपको सैलेड भी मिल जाता है। देन यू गेट डिजर्ट्स, डिजर्ट्स में आपको मिलता है ब्राउनी, मूंग दाल हलवा एंड यू गेट गुलाब जामुन। यहाँ पे आपको दो डिप्स भी मिल जाते हैं। सो वेज में भी आपको मिलते हैं 6 स्टार्टर्स, पनीर टिक्का और मलाई मशरूम, एक है मटर टिक्की और एक है गलौटी कबाब। हियर यू गेट वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स, यार ये इनको नॉन वेज में भी देना चाहिए। दिस इज क्रिस्पी कॉर्न एंड दिस इज सम हनी चिली पाइनएप्पल। वेज बिरयानी, देन यू गेट दाल मखनी, देन यू अगेन गेट लच्छा पराठा जो आपको नॉन वेज में भी मिलता है, कढ़ाई पनीर और आपको एक सब्जी मिल जाती है विच इज सब्ज मिलोनी, जिसमें आई थिंक गोभी ये सब होगा। सालन, डिप्स और डिजर्ट सेम ही है जो आपको नॉन वेज में मिलते हैं। सो दिस इज एवरीथिंग दैट यू गेट इन बारबेक्यू इन अ बॉक्स। बहुत ही बड़ी स्प्रेड है टू बी ऑनेस्ट एंड पैकेजिंग अच्छी है, सिर्फ थोड़ा ठंडा हो गया, दैट इज द ओनली डाउनसाइड, बट वो आप गर्म कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट ईटिंग। लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्टर्स। सबसे पहले हम लेट्स स्टार्ट विद द मशरूम मलाई एंड लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। बहुत अच्छा है,
चटनी बहुत अच्छी है, चटनी इज एग्जैक्टली द सेम जो हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, बहुत अच्छी है। सिर्फ खाना थोड़ा सा ठंडा हो गया है, बट मशरूम्स की टेस्ट बहुत अच्छी आ रही है, ब्लैक पेपर डाला हुआ है एंड बिकॉज इट्स मलाई मशरूम तो वो थोड़ा क्रीमीनेस भी है, बट ब्लैक पेपर का बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। ये पनीर टिक्का सेम आपको वेज में भी मिल जाता है और नॉन वेज में भी। पनीर टिक्का इज डिलिशियस, ग्रिल्ड सो परफेक्टली, इतना कुछ इतना स्पाइसी भी नहीं है। इसमें उन्होंने चाट मसाला थोड़ा कम डाला है, आई रियली लाइक जब पनीर टिक्का थोड़ा टैंगी होता है। अभी क्या खाएं, चलो अभी लेट्स ट्राई क्रिस्पी कॉर्न। वैसे आई एम ईटिंग डायरेक्टली फ्रॉम दिस क्योंकि अभी मैं फिलहाल सिर्फ सब टेस्ट कर रही हूँ, बाद में आराम से प्लेट में डाल के खाऊंगी मैं। क्रिस्पी कॉर्न की टेस्ट बहुत अच्छी है, बहुत डिलिशियस है, बट क्रिस्पी कॉर्न यू लाइक इट व्हेन इट्स क्रिस्पी, और अभी ये थोड़ा सा सॉगी हो गया है। सो टेस्ट इज गुड बट थोड़ा सॉगी हो गया है। दिस इज सम ग्रिल्ड हनी चिली पाइनएप्पल। ये बहुत अच्छा है, चिली एक बहुत ही राइट प्रोपोर्शन में डाली हुई है, द स्वीटनेस ऑफ पाइनएप्पल एंड चिली बहुत अच्छा ऐसा लग रहा है। ये है गलौटी कबाब। ओ मैन, ये मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, आई थिंक लास्ट टाइम मैंने बारबेक्यू नेशन में खाया नहीं था। बहुत ही सॉफ्ट है, गार्लिक का बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है, फिर इसमें कोरिएंडर डाला हुआ है और हल्का सा अनियन। नेक्स्ट वी हैव दिस मटर की टिक्की, ये देखिए इसमें डाले हुए हैं पीस, फिर पटेटो, कोरिएंडर, ये भी बहुत अच्छा है। पटेटोज में से ना बहुत ऐसा स्वीट टेस्ट आ रहा है और पीस इतने अच्छे से मैश्ड हैं, ऐसे पीस के बड़े बड़े पीसेस नहीं है, सो दैट्स वेरी गुड। बहुत सिंपल है, कुछ इतना मसालों का भी प्ले नहीं है, वेरी नाइस, फ्राइड सो नाइसली। अगेन ये भी अगर क्रिस्पी होता बहुत मज़ा आता, बट सिंस वी हैव ऑर्डर्ड ऑनलाइन तो वो थोड़ा सा ऐसा सॉगी हो गया है। नाउ दीज वर ऑल द वेज स्टार्टर्स, अभी खाते हैं नॉन वेज स्टार्टर्स। पनीर टिक्का तो ये सेम ही है, इसमें भी इन्होंने दे दी है मटर टिक्की अलॉन्ग विथ पनीर। ये है चिकन टिक्का, दिस आई थिंक इज मस्टर्ड गार्लिक चिकन, ये देखिए, ओ माय गॉड क्या मस्त लग रहा है यार, मतलब क्या मस्त इन्होंने ग्रिल किया है। ये मैं डालती हूँ थोड़ी चटनी में, ये चटनी इतनी डिलिशियस है गाइस। इतनी टेंडर है ये चिकन, मस्टर्ड का इतना अच्छा स्वाद आ रहा है, हल्का सा स्पाइसीनेस भी है, अगेन कुछ इतना टैंगी नहीं है। इसे ग्रिल करने के टाइम बटर या तेल भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि इसमें थोड़ा ऐसा ग्रीसीनेस भी है। ये एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने लास्ट टाइम बारबेक्यू नेशन में खाया था। ये मैं आपको थोड़ा ब्रेक करके दिखाती हूँ क्योंकि काफ़ी टेंडर होती है उनकी ये चिकन, ये देखिए। दिस इज सो गुड, इसमें हल्का सा ऐसा स्मोकी फ्लेवर है बिकॉज इट्स ग्रिल्ड सो नाइसली। ये भी ठंडा हो गया है थोड़ा वरना और अच्छा लगता, बट चिकन इज सो टेंडर, टेस्ट इसकी इतनी अच्छी आ रही है, स्टैंगी, इट्स स्पाइसी, ब्लैक पेपर डाला हुआ है एंड दिस इज ग्रिल्ड वेरी नाइसली, लव्ड इट। दीज आर सम चिली गार्लिक प्रॉन्स, इसकी मैंने टेल निकाल दी है। प्रॉन्स आर वेरी नाइसली कुक्ड। अभी तक मैंने जो भी स्टार्टर्स खाए हैं, आई हैव टू से वन थिंग, किसी में भी ना मसाले उन्होंने ऐसे बहुत सारे नहीं डाले हैं। इट कैन बी अ गुड थिंग ऑल्सो, इट कैन बी अ बैड थिंग ऑल्सो। गुड थिंग क्योंकि जिनको ऐसा इतना तेल मसाला नहीं पसंद है दे आर गोइंग टू एन्जॉय इट, बट पीपल हु लाइक अ लॉट ऑफ स्पाइस एंड फ्लेवर इन देयर फूड उनको ये थोड़ा ओके लग सकता है, दैट्स व्हाट आई थिंक। अभी बस लास्ट स्टार्टर बचा है हमारा विच इज़ सम फिश हरियाली। फिश इज गुड बट उसमें थोड़ा सा ऐसा फाउल स्मेल आ रहा है, ग्रिल बहुत अच्छे से की हुई है। आई थिंक स्टार्टर्स में से मुझे सबसे बेस्ट जो कबाब्स और मटर टिक्की थी वो लगी, देन आई लव मशरूम्स एंड चिकन टिक्का एंड चिकन तंगड़ी, वो अमेजिंग। क्रिस्पी कॉर्न भी अच्छा था, पाइनएप्पल भी एक्चुअली, बट क्रिस्पी कॉर्न मैंने जैसे बोला कि थोड़ा वो सॉगी हो गया है, अदरवाइज उसकी टेस्ट बहुत अच्छी है। अब भी टूट पड़ते हैं सीधा मेन कोर्स पे। मैं अभी एक प्लेट में थोड़ा थोड़ा वेज और नॉन वेज सब ले लेती हूँ ताकि मैं आपको टेस्ट करके बताऊँ कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं, और फिर मैं आराम से बैठ के सब खाऊंगी। नहीं, मैं एक्चुअली आपको डिजर्ट्स भी दिखाई दूंगी आराम से बैठ के, बाद में मैं खाऊंगी। सबसे पहले मैंने ले लिया है चिकन बिरयानी, दाल मखनी और लच्छा पराठा, क्योंकि ये बिरयानी, दाल मखनी और लच्छा पराठा कॉमन है दोनों में। ये देखिए इसमें चिकन का पीस है, बट आई थिंक ये बोनलेस नहीं है, विद बोन है पता नहीं, चलो।
जो भी मसाले उन्होंने स्टार्टर्स में कम डाले हैं ना, वो सब उन्होंने बिरयानी में डाल दिए एकदम अच्छा। इलायची और तेज़पत्ता, इसकी बहुत अच्छी स्वाद आ रही है। बिरयानी इज़ वेरी गुड। वेज ट्रे दाल मखनी, ये देखिए, ये मैं ले लेती हूँ। थोड़ा लच्छा पराठा। वैसे रोटीज आप चूज नहीं कर सकते हो, यू विल हैव टू गो एड विद द रोटीज दे सर्व एंड सम दाल मखनी। इट्स बीन सो लॉन्ग आई हैड दिस यार, बहुत अच्छा है। एक्चुअली अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि दाल मखनी में ना देसी घी का स्वाद आए तो और भी ऐसे अच्छा लगता है। बट दिस इज गुड, दिस इज डिसेंट। दिस इज लाल मांस, ये भी मैं थोड़ा ले लेती हूँ अभी। पहले ये टेस्ट करते हैं। एक्चुअली प्लेट बहुत छोटी है बट सामान बहुत सारा है, तो जितना जितना जो जो हम खा सकते हैं उतना उतना हम खाएंगे। वैसे ये बहुत ही ऑर्डिनरी करी लग रही है। लाल मांस इज सपोज टू बी वेरी स्पाइसी, ये वैसी नहीं है। चिकन करी, इसमें तीन बड़े चिकन के पीसेस आते हैं। ये देखिए, चिकन इज सो टेंडर। ऐसे मटन भी काफ़ी टेंडर और वेल कुक्ड ही था बाय द वे। सो गुड, बहुत टेंडर चिकन है। दिस करी इज सो फ्लेवरफुल, इतनी अच्छी है। आई थिंक मुझे बहुत अच्छी लगी। मेन कोर्स में मैंने जो भी ट्राई किया मुझे वन ऑफ द बेस्ट ये लगी। अभी फटाफट से वेज भी ट्राई कर लेते हैं। वेज में एक ये पनीर कढ़ाई है, थोड़ी वो ले लेते हैं। तेल देखिए भाई, तेल कितना डाला हुआ है। एंड दिस इज़ वेज की सब्जी जिसमें मुझे गोभी, पीस, बीन्स ये सब दिख रहे हैं। इसकी मैं थोड़ी सी ग्रेवी ले लेती हूँ विथ सम बीन्स। ये ले लिया थोड़ा पनीर। सो गुड, पनीर बहुत टेंडर है। ये सब्जी में ऑयल भले ही ज़्यादा हो बट द करी इज सो गुड, बहुत फ्लेवरफुल है। टिपिकल मसाले डाले हुए हैं इंडियन, जो भी मसाले होते हैं जैसे टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब बहुत ज़्यादा डाला हुआ है। ये थोड़ी बीन्स एंड ग्रेवी भी ट्राई करती हूँ मैं। ये भी बहुत अच्छी है। एक्चुअली जो करीज हैं मुझे वेज की बहुत अच्छी लगी कंपेयर टू नॉन वेज। बहुत फ्लेवरफुल है, बहुत अच्छी हैं, ऐसे फालतू का इतना स्पाइसी ये सब नहीं है। एंड कुक्ड ऑल्सो वेरी नाइसली, सो आई लव्ड इट। फाइनली लेट्स ईट डिजर्ट्स। मैं अभी सब थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ बिकॉज लेटर आई एम गोइंग टू ईट इट विद एवरीवन। बट मेन कोर्स में मैं बता दी मुझे सबसे फेवरेट क्या लगा। नॉन वेज में आई लव चिकन बिरयानी, चिकन की ये सब्जी। आई लव्ड पनीर और ये बीन्स, दोनों की सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगी, डिलिशियस। लेट्स ईट गुलाब जामुन। बारबेक्यू नेशन का गुलाब जामुन की ना एक पेक्यूलियर टेस्ट होती है एंड इट्स सो गुड। हल्का सा ज़्यादा स्वीट होता है बट आई लव इट। ये छोटे छोटे होते हैं, फटाफट ख़त्म भी हो जाते हैं, बहुत मस्त है ये। फाइनली द लास्ट थिंग, अभी हाँ आई फॉरगॉट, मूंग दाल का हलवा भी है। वी हैव सम ब्राउनी हियर विथ चॉकलेट सॉस, ये देखिए। ओ हो हो, अगर आप मेरा बारबेक्यू नेशन वाला वीडियो देखेंगे जो मैंने पहले शूट किया है, उसमें मैं आपको क्लियरली बताती हूँ कि मेरे तीन फेवरेट डिजर्ट्स फ्रॉम बारबेक्यू नेशन आर गुलाब जामुन, ब्राउनी एंड मूंग दाल हलवा, और वो ही तीनों इन्होंने एक्चुअली भेजे हैं। सो गुड, ये इनकी जो ब्राउनी होती है जैसे टिपिकल ब्राउनी जैसी नहीं होती, इसमें ना थोड़ा थोड़ा आटे का भी टेस्ट आता है बट वो मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। एंड फाइनली सम मूंग दाल हलवा। सो गुड, ये यार इनका बहुत अच्छा बनता है। इसमें ये लोग देसी घी इतना डालते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट होता है। इनके डिजर्ट्स थोड़े से ज़्यादा स्वीट हैं आज, बट लव्ड इट। लव मूंग दाल हलवा, लव द ब्राउनी, लव द गुलाब जामुन, लव द डिजर्ट्स। मुझे इनके डिजर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। एंड विद दिस इट्स टाइम टू रैप अप दिस वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। ये बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू प्लान था आज का शूट करने का। इफ यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद एनीवन हु विल फाइंड दिस tempting, and leave a comment below कि आपको दिखने में सबसे best dish कौन सी लग रही थी। And also let me know in the comments below कि आपको और कौन से videos देखने हैं। आज का comment shout out जाता है to all these lovely people. Thank you so much for leaving a comment. If you need a comment shout out, all you have to do is just leave a comment below. It can be anything. Subscribe to my channel for more food and travel related content. और घंटी बजा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई video डालूँ आपको सबसे पहले मालूम पड़े। I am gonna see you next time. Till then, खाओ पियो खुश रहो। Bye.